बिहार में पुलिस बहाली हो, दारोगा बहाली हो, या फिर शिक्षक बहाली, या फिर कोई बोर्ड परीक्षा ही क्यों ना हो, बिना गड़बड़ झाला के यहाँ कुछ भी होना मुश्किल है। क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के सभी पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में अब एक ही चीज़ बैठ चुकी है, वो है भ्रष्टाचार के पैसे कमाना। इसलिए शायद ये गड़बड़ी कभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में इस समय शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यहाँ पर केवल गड़बड़ी ही गड़बड़ी सामने आ रही है। तो ऐसे में जो सही कैंडिडेट हैं और जो बिल्कुल ऑथेंटिक टीचर्स हैं, वो आखिर कैसे स्कूल पहुँचेंगे? क्योंकि यहाँ फर्जीवाड़ा करने का तो जैसे फैक्ट्री सा लग गया है। हर नियोजन प्रक्रिया में गलत तरीके से टीचर बहाल करना, ये यहाँ की अब एक तरह की परंपरा बन चुकी है। बिहार में 4800 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चली, इनमें से 4400 में तो कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई, लेकिन 4000 नियोजन इकाइयों में कई सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसमें से मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जांच करके प्राथमिक दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हो रही है। कई जिलों से लगातार काउंसिलिंग में धांधली की शिकायत मिल रही है। बताया जा रहा है कि कई जगह हंगामे के बाद वीडियो फुटेज खंगाल कर भी कार्रवाई की गई है। दरअसल बिहार में 4800 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चली है, इसमें से 4400 में कोई गड़बड़ी तो सामने नहीं आई है। बिहार में 5 जुलाई से 12 जुलाई तक राज्य में प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की गई है, जिसमें लगभग 400 नियोजन इकाइयों में केवल गड़बड़ी ही गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब तक 17,000 शिक्षकों का चयन हुआ है, काउंसिलिंग के बाद भी 10,229 पद रिक्त रह गए हैं। रद्द नियोजन इकाइयों में नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। गड़बड़ी सामने आने के बाद अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। विजय चौधरी ने कहा कि गड़बड़ी करने में जो भी शामिल है सभी पर कार्रवाई होगी। विभाग का कहना है कि एक अभ्यर्थी ने कई जगहों पर आवेदन दे दिया, लेकिन साफ निर्देश दिया गया था कि कोई भी अभ्यर्थी 2 जगह की काउंसिलिंग में भाग लेंगे तो उनको वैध नहीं माना जाएगा। इसके बाद भी कई जगहों से गड़बड़ी की शिकायत मिली है, साथ ही कई जगहों पर नाम पुकारने में गड़बड़ी और कई जगहों पर अंतिम मेधा सूची में फेरबदल करने का भी आरोप लग रहा है। तो कुल मिलाकर 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अब भी पूरी हो पाएगी नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल यहाँ पर आगे की कोई भी अपडेट आती है, इस चैनल पर हम लगातार आपको बताते रहेंगे। खास अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।